अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो अभी हम फिलहाल कराची रेलवे स्टेशन जा रहे हैं क्योंकि हमें मुल्तान जाना है। तो अभी हमारी ट्रेन आने में बस 2 मिनट रह गए थे और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आने ही वाली थी और बहुत ज़्यादा तेज़ मौसम हो रहा था, बहुत हवा चल रही थी तेज़, मौसम भी अच्छा हो रहा था कराची के अंदर। तो हम लोग दुआ कर रहे थे कि हम लोग निकल जाएँ कराची से, और ये हमारी ट्रेन आ चुकी है, कराची एक्सप्रेस। ट्रेन को बहुत करीब से दिखा रहा था, करीब से दिखाने में डर भी लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ भी होती है ट्रेन की। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है और अभी हम इसमें बैठेंगे और अपना सामान लोड करवाएंगे, फिर आपसे मिलेंगे। अभी हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और मगरब का टाइम हो गया, ट्रेन चले हुए, मैं वीडियो नहीं बनाई। तो अभी हम लोग बैठे हुए थे ट्रेन के अंदर, ट्रेन अभी चल रही थी, हैदराबाद पहुंचने वाली थी और अब देख के सो गए थे और यहाँ पर मुझे नींद नहीं आ रही थी, थोड़ी रात हो गई थी। तो अभी मैं कैसा लगा मेरा मजाक? अभी आपका भाई टॉप वाली सीट पे लेटा हुआ था, फुल मोबाइल यूज़ कर रहे थे, ब्लॉग भी बना रहे थे। और इस वक्त रात हो चुकी थी और ट्रेन का माहौल देख सकते हैं आप, सारे रिलेटिव सो रहे थे और आपका भाई जाग रहा था क्योंकि आपके भाई को नींद ही नहीं आ रही थी। मैं बैठा हुआ था ऐसी, बस ऐसे ही बैठा हुआ था, ब्लॉग बना रहा था और मोबाइल यूज़ कर रहा था और बिल्कुल खाली ट्रेन, ऐसा कोई शोर भी नहीं था बस। और सर्दी भी लग रही थी और मैंने कंबल भी ले लिया था उस वजह से। अभी आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं रात को सो गया था और फिर मैं उठा तो आपके भाई ने देखा सुबह हो चुकी है, सुबह के 5:15 हो रहे थे और ट्रेन बिल्कुल अब साफ नज़र आ रहा था, बिल्कुल ग्रीनरी हो रही थी और हमारा पहुंचने में बहुत कम टाइम बचा था, 1 घंटे बाद हम लोग पहुंच जाते। और मैं उठ गया और मैं खुश हो गया कि मैं सो गया, शुक्र है ट्रेन के अंदर, वरना मुझे नींद नहीं आती। और हम यहाँ पर मुल्तान पहुँच चुके थे और हम अपने घर की तरफ